हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब सेलर में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो आया IIT गुवाहाटी से, जहाँ पे एडवर्टाइजमेंट निकाला गया है स्पेशल PhD एडमिशन प्रोग्राम अंडर CSI UGC DST इंस्पायर DBT JRF स्कीम। तो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन कर लिया है कि अगर आपके पास CSIR JRF, UGC JRF, DST JRF, DST Inspire या DBT JRF है, तब आप जो है यहाँ पे अप्लाई करने के लिए जो है एलिजिबल हैं। तो ये सब चीज़ें जो आप क्लियरली एक बार चेक कर लीजिए। अगर आपके पास JRF है तभी आप जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी में अप्लाई करना कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे उन्होंने अवेलेबल वैकेंसी जो यहाँ पे मेंशन कर रखी है, जनरल के लिए 4, जनरल EWS के लिए 1, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3, SC के लिए 1 और ST के लिए 1। साथ ही यहाँ पे इन्होंने रिसर्च एरियाज भी मेंशन कर रखे, जैसे माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी, नैनो बायोसेंसर, बायो माइक्रो फ्लूइडिक्स, RNA बायोलॉजी, सेल मॉलिकुलर बायोलॉजी, स्ट्रक्चर एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट डिफरेंट रिसर्च एरियाज मेंशन कर रखे हैं। तो अगर आप किसी भी इन रिसर्च एरियाज में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप जो है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और आपका यहाँ पे PhD जो फुल टाइम रेगुलर रहेगा, यहाँ पे कोई भी इरेगुलर या नॉन रेगुलर पोस्ट नहीं है या PhD की। तो यहाँ पे अगर आप PhD ज्वाइन करते हैं तो इट विल बी अ रेगुलर, ठीक है। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन, तो फॉर एडमिशन टू PhD प्रोग्राम रेगुलर कैटेगरी, तो आपके यहाँ पे CSI, UGC, DST इंस्पायर, DBT JRF होना कंपलसरी है, ठीक है, तभी आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिलैक्सेशन भी SC ST PWD कैंडिडेट को यहाँ पे दिया गया है 5% मार्क्स का SC ST PD एप्लीकेंट्स के लिए, ठीक है। तो अगर आप नॉन क्रीमी OBC नॉन क्रीमी लेयर, जेंडर इकोनॉमिकली वीकली सेक्शन कैंडिडेट्स के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको दोनों का जो है सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। अगर आप OBC कैटेगरी में अगर अप्लाई कर रहे हैं या EWS कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो है सर्टिफिकेट होना जरूरी है, और इट शुड बी ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2020। तो आपको लेटेस्ट सर्टिफिकेट चाहिए, चाहे वो अगर आप किसी भी कैटेगरी के लिए जो है कैटेगरी के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो इट शुड बी ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2020, ठीक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आप देखिए, अगर हम बात करें लास्ट डेट की, तो यहाँ पे जो लास्ट डेट मेंशन करते हैं कि 15 मार्च 2021 तक आपका जो एप्लीकेशन है वो पहुँच जाना चाहिए IIT गुवाहाटी में, ठीक है। अब बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो आपको अगर आपका शॉर्टलिस्ट किया जाता है तो आपको यहाँ पे इंटरव्यू के लिए जो है ऑनलाइन इंटरव्यू आपका होगा, इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखी है। और जो टेंटेटिव डेट ऑनलाइन इंटरव्यू की होगी वो रहेगी एंड ऑफ मार्च या फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2021, ठीक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपका डिस्कस कर लिए। तो अगर आप IIT गुवाहाटी से PhD करना चाहते हैं और आप सारी एलिजिबिलिटी को फॉलो, लाइक आपके पास सारी एलिजिबिलिटी है, तो आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर भी ना जाइएगा। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।